कोटा के उद्योग नगर पुलिस ने 5 भूखंडों को फर्जी तरीके से बेचने और साथ ही 20 लाख रुपए हड़पने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी विजय शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित विष्णु कुमार यादव ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि लक्ष्मण विहार के रहने वाले, आपको बता दें कि चित्रेश नंदवाना और धाकड़खेड़ी गांव निवासी मांगीबाई ने कैथून रोड पर एक स्कीम काटी थी और जिसका नाम प्रतिभा रेजिडेंसी के नाम से अपनी होना बताया और इस पर पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों ने 5 भूखंड आरोपियों से खरीद लिए और साथ ही 20 लाख का भुगतान भी किया। कागजात बनाने की बात करने पर आरोपी उन्हें नोटरी के पास लेकर गए, जहां नोटरी ने इस भूखंड को पहले से ही बिका हुआ बताया। इस दौरान मामले का खुलासा होने पर आरोपियों ने रुपए लौटाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पहले प्लॉट लिए थे किस्तों में, जिन्होंने रजिस्ट्री 90 भी कराने के लिए हमारे से वादा किया था, पर वो रजिस्ट्री वगैरह पट्टे वगैरह कुछ नहीं बना पाए। फिर जब इन्होंने हमने इनको किस्तों पे टाइम पे पैसा दिया, पैसा देने के बाद इनसे फाइल मांगी तो उन्होंने मेरे को फाइल भी दे दी और मौके पर कब्जा भी संभाला दिया। और जब मैं मौके पर दोबारा वापस कोई निर्माण कराने गया तो इन्होंने मेरी बाउंड्री वगैरह भी तोड़ दी और उसके बाद वो जो फाइल थी मेरे पास उनकी इन्होंने नोटरी भी निकलवाने दी। और इसके अलावा इन्होंने हमारे साथ पूरा फ्रॉड किया। आज हमारे पास न तो फाइलें हैं ओरिजिनल, न हमारे पास न इन्होंने कब्जा दे रखा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।